देखिए दोस्तों, हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, हमने बाउल में डाल लिया है, अब हम खाएंगे। बहुत भूख लगी हुई है, सब्र नहीं हो रहा क्योंकि खेल के आए हैं ना। तो ये देखें दोस्तों, इसमें देसी घी भी ऐड किया जा रहा है, इससे टेस्ट और भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अली भाई, अब तो मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। दिस इज़ वसीम सजाद और आप देख रहे हैं ऑल इन वन एंटरटेनमेंट। दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह ताला की रहमत से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आपको ये बताना चाहूँगा कि आज फ्राइडे है तो हम क्रिकेट खेल के आए हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग्स में बताया है कि हम फ्राइडे को क्रिकेट खेलते हैं, तो हम वापस आए हैं। तो हम दोस्तों का, तीन दोस्तों का प्लान बनाया है कि हम एक रेसिपी बनाएँ, चिकन रेसिपी बनाएँगे और वो भी लकड़ियों पे बनाएंगे। तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। न्यू लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं वीडियो में। वेलकम बैक दोस्तों, हम रूम में आ गए हैं ऊपर। तो मैं फ्रेश भी हो गया हूँ, मुँह हाथ धो लिया है। तो अब जो रेसिपी हमने बनानी है उसकी तैयारी करेंगे। एक एडवांस आजकल बर्नर है, चूल्हा जिसे कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, वो भी आपको दिखाएंगे। इसमें यह है कि लकड़ियों वगैरह को ऐड करना पड़ता है और दो तीन लकड़ियां डालने से दो तीन घंटे चलती रहती है आग। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर वीडियो को एंजॉय करेंगे, लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की जानब। फाइनली दोस्तों, हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे हमारी रेसिपी बन रही है। हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड होते हैं वो काट के डाल दिए हैं। तो अब आपको दिखाते हैं, हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं इसमें। प्याज, धनिया, जो जो चीज़ रेसिपी में ऐड होती है सबको एक साथ काट के चिकन के साथ ऐड करके हमने चूल्हे पे रख दिया है। और आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो लेटेस्ट चूल्हा है वो कैसा है, ये देखें गाइस। आजकल यही चल रहे हैं क्योंकि सुई गैस की लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो इसमें लकड़ियाँ भी ऐड हैं। तो इस पंखे की मदद से उसको हवा जा रही है और उससे गैस का, आग का प्रेशर बन रहा है। देखिए दोस्तों, हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, हमने बाउल में डाल लिया है, अब हम खाएंगे। बहुत भूख लगी हुई है, सब्र नहीं हो रहा क्योंकि खेल के आए हैं ना। तो ये देखें दोस्तों, इसमें देसी घी भी ऐड किया जा रहा है, इससे टेस्ट और भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अली भाई, अब तो मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। तो दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हम खाना खाएँगे क्योंकि खेल के आए हैं, तो भूख भी बहुत लगी हुई है। दोस्तों लगता है कि आज मैं बहुत सारी रोटियां खा जाऊंगा, जितनी भूख लगी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि घर वालों जो बनाते हैं वो तो खाते ही रहते हैं, ये दोस्त ने बनाया है तो इसका जायका ही फिर कुछ अलग होगा। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, खाना पेट भर के खा लिया है, सुकून मिल गया है, बड़ा मज़ा आया खाना खाने में। तो इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आती रहेंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।